हमने पिछले क्लास में अल्कोहल फिनोल ईथर उसमें काफी आगे तक कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, आप जानते हैं फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है हेलोकेन हेलोरिन्स। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। देखो मैंने शुरू में तो जेई और नीट के लिए जैसे मैंने पढ़ाया, अगर हम वैसे तैयारी अगर किए होते, मतलब आपने अगर वैसे तैयारी करी होती तो आपको तीन चार बातें तो समझ में आ ही जाता कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, कितना आंसर आएगा नहीं आएगा, ये सब अच्छे से आपको क्लियर होता। कोई रिएक्शन क्यों लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, अब जो भी रीजन्स हो उसको आपने किया था, कुछ बच्चों अभी भी बहुत अच्छा करते हैं कुछ के अच्छे नहीं हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी में पूरा फोकस कर लेंगे, मैं ये चाहता हूँ बस। ठीक है, एक बार जरा हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। तो मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी फोकस करने के लिए, अभी हम लोगों ने एक चैप्टर इधर हमने एक चैप्टर जो हमने पूरा का पूरा हेलकिन देख लिया है और ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक एल्कोहल में हमने हाफ किया है, एल्कोहल और ईथर में हमने हाफ कर लिया है, तो इसको भी थोड़ा आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एल्डिहाइड एक है और एल्डिहाइड है, इसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स है और एक अमाइन साइनाइड है, अमाइन साइनाइड है। तो इसमें मान लेते हैं 2 डेज, ठीक है, इसमें हार्डली 2 डेज लगेगा, इसमें पकड़ लेते हैं 2 डेज और इसमें पकड़ लेते हैं 2 डेज, तो इस वीक में ये सेकंड बुक हमारा खत्म हो जाएगा, सेकंड बुक हमारा कंप्लीटली इस वीक में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीक में जो हमें उस पर काम करना है फर्स्ट बुक से हम चलेंगे, तो फर्स्ट बुक में मेरे हिसाब से कम डाउट होगा, फर्स्ट बुक में हर बच्चे का कम ही डाउट होगा, ज्यादातर सेकंड बुक में ही प्रॉब्लम रहता है, तो फर्स्ट बुक पे हम लोग उसके बाद काम करेंगे, तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जरा से हम लोग चलते हैं और स्क्रीन थोड़ा एक बार विजिबल नहीं रहता है तो थोड़ा इसके लिए हम करते हैं काम। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने एल्कोहल के बारे में पूरा बात कर लिया था, एल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने एल्कोहल के बारे में क्या क्या बात किया जरा उसके बारे में देखते हैं। एल्कोहल का नेम, डिग्री, ये सब हमने पिछले क्लास में बात किया है, जीएमपी बात कर लिया है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमने एल्कोहल के बारे में थोड़ा मोड़ा बात कर लिया था। इसके बाद हमने आपसे बोला था कि हम लोग थोड़ा ईथर स्टार्ट करेंगे और ईथर पे पहले थोड़ा काम करेंगे और फिर वापस आके हम लोग एल्कोहल का जो है और भी जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसको जरा से हम लोग देखेंगे। तो जरा एक बार हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हम लोग पूरी बात एक जगह लिखने के बाद हम लोग थोड़ा वो देख लेंगे क्या क्या इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, एल्कोहल की थोड़ा कुछ कुछ प्रॉपर्टी जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार, सभी लोग थोड़ा देखें ध्यान से। ठीक है, एक बार हम लोग काम करते हैं फिनॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिनॉल के बारे में। ठीक है, तो फिनॉल पहले देखते हैं एक बार, फिर ईथर वगैरह देखेंगे। फिनॉल अगर हमें प्रिपेयर करना है किसी मॉलिक्यूल से, जरा सभी लोग देखें एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे फिनॉल के लिए पहले एक बार बेंजीन लेंगे, इस पे हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसे आ जाएगा। हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कभी नहीं आता है कि कैसे मतलब बना है, मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म तो आता नहीं, हम बस थोड़ा समझना चाहते थे तो हमने ऐसा लिखा है। फिर जैसे ही इसमें हम एनओएच रखेंगे, एनओएच रखने के बाद ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ओएनए यहाँ पे आ जाएगा जो इस तरीके का मॉलिक्यूल है। फर्दर जब हम इस पे एचसीएल का रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से जो भी हमारा ग्रुप होगा यहाँ पे ओएच आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओएच आ जाएगा और एनएसीएल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फिनॉल का एक बनाने का मेथड ये है, बेसिकली ये क्या दिखाई दे रहा है कि क्लोरोबेंजीन से एनसीआरटी में यहाँ से लिखा हुआ होगा, एनसीआरटी में यहाँ से लिखा होगा, लेकिन हमने थोड़ा ये एरोमेटिक चैप्टर से उठाया है, ये कंटेंट हमने एरोमेटिक चैप्टर से उठाया है। अगर आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका जो है एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल और अमाइन साइनाइड मैंने जो जेई लेवल पढ़ाया था अगर उस तरीके से क्लियर नहीं है तो थोड़े कुछ रिएक्शंस आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, जिसमें से एक फिनॉल था, ये फिनॉल आपको अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड याद हो तो हमने बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड पे जैसे ये बेंजीन है इस पे SO3H का अगर हम रिएक्शन करा देंगे, SO3H से भी अच्छा है H2S2O7 जिसका नाम एनसीईआरटी में कहीं ओलियम लिखा होगा, ओलियम का अगर रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली ये इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होता है सल्फोनेशन, चूंकि इस पे सल्फोनिक एसिड आया हुआ है तो इसका नाम लिखा होगा सल्फोनेशन। और ये जो सल्फोनेशन है थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, सल्फोनेशन का फिर से हम अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर हम लेकर आए, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, सब बाउंडेशन नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा, यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा। ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये रिएक्शन हमने देख देख रखा है,
इसके बाद हमने ये भी कंपाउंड ऊपर देखा है कि अमाइन है जिसका नाम एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन का अगर हम NaNO2 से रिएक्शन करा देंगे, NaNO2 NaNO2 से रिएक्शन कराएंगे, ये प्रेजेंस ऑफ HCl ऐसा ले लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये बनेगा BDC, ये बनने वाला है BDC, इसका नाम BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने पिछले क्लासों में एक बार आपको पूरा लिस्ट लिखवाया है कि BDC कैसे होगा, लिस्ट ऑफ एक बार हमने पढ़ाया है, या हमने वहां पर लिखवाया है ग्रुप ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन ऐसे करके मैंने आपको पढ़ाया है। फिर जैसे ही इसमें से वाटर हम लोग लेंगे, हॉट वाटर या बुक्स में लिखा हुआ वार्म वाटर या हॉट वाटर, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ही लेंगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा प्लस HCl भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमें कुछ कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जैसे ही हमें याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप मेरे से पूछते कि याद नहीं हो पा रहा सर इसके लिए क्या उपाय है, तो थोड़ा अभी करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज अगर आप क्लासरूम नोट्स अगर पिछले क्लासों में अगर देखोगे, जैसे JEE और NEET में हमने पढ़ाया था, तो एनिलीन पे NaNO2 का रिएक्शन होगा तो BDC बनेगा, हमने वहां पर देख रखा है। BDC कैसे पता चला बनेगा, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे सब, फिर हॉट वाटर रखेंगे तो ये लोग जो होंगे फिनॉल बेसिकली बना लेंगे। इसके बाद हमने वहां पे जब थोड़ा सा कोर्स में आगे देखा था ड्यूरिंग लेक्चर, तो वहां पर हमने एक कंपाउंड का नाम पढ़ा था क्यूमीन, इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, जब सभी लोग देखें इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, ठीक है, इसका नाम क्यूमीन है। क्यूमीन का जब हम जो क्यूमीन में O2 का अगर रिएक्शन कराएंगे तो जरा देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे सी, ये सी और ये सी, यहाँ पे दो आ जाएगा इस तरीके से, ये लिंकेज का नाम है पेरोक्सी लिंकेज, ये लिंकेज का नाम है पेरोक्सी लिंकेज, तो ये पेरोक्सी लिंकेज आ जाएगा, और पेरोक्सी लिंकेज में हम एसिडिक मीडियम में जब लेके जाएंगे तो बेसिकली ये टर्सरी अल्कोहलिक बनाएगा, तो बेसिकली मतलब जो है ऑल बना लेगा, फिनॉल बना लेगा, प्लस एक एसीटोन बनेगा, प्लस एक एसीटोन बनेगा। तो ये हमें कुछ रिएक्शंस जिनको बिल्कुल थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ रिएक्शंस हैं जिनको बिल्कुल हमें याद रखना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल मैं एनसीईआरटी का जरा कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि CH3CH CH2, और यहाँ पे लिखा हुआ है H2O और नीचे लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट पूछ रहा है इसका क्या बनने वाला है। एनसीईआरटी का 11.5 ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 11.5 और 11.4 मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, लेकिन दोबारा करूंगा। 11.5 जरा से देखो हमने कैसे किया है, इसमें से मुझे पता है कि MKW रूल फॉलो होगा, और MKW रूल हमें पता है कि रिच बिकम्स रिचर बनाना है, और रिच बिकम्स रिचर आपको अच्छे से पता है कि इस CH2 में एक और हाइड्रोजन आएगा, जब इस CH3 में एक और हाइड्रोजन आएगा तो ये ग्रुप इस तरीके से बनेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है। इसके बाद एक मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा हुआ है इस तरीके का, जरा देख लें आप, या थोड़ा इसका अगर इजी वाला मैं एग्जांपल अगर आपको समझाऊंगा, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो तो, सी डबल बॉन्ड हो जरा यहाँ देखो, और यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, ये लिखा हुआ है CHO, और यहाँ पे लिखा हुआ है NaBH4। हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि NaBH4 एक रिडक्शन करता है, एक रिडक्शन वाला एजेंट है जो रिड्यूस करेगा। रिड्यूस कैसे करेगा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ जरा सा, पिछले क्लास में पढ़ाया है अल्कोहल फिनॉल ईथर से पहले एल्डिहाइड कीटोन एसिड में पढ़ाया है, यहाँ लिख रहा हूँ, जब भी एल्केन का हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख के कुछ कराएंगे तो बनेगा एल्कोहल, और फिर इस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, देखते चलो, एल्डिहाइड पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे तो बनेगा एसिड, और अगर वापस उल्टा रख देंगे, उल्टा रखने के बाद रिड्यूसिंग एजेंट रख देंगे तो ये नीचे वाला प्रोसेस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रखेंगे तो नीचे वाला प्रोसेस होगा। अगर आप चाहते हैं ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो तो यहाँ पे KMnO4 रखना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप चाहते हैं रिएक्शन एक एक स्टेप छोड़ के हो इस तरीके से हो, तो आपको यहाँ पे जरा देखो, आपको यहाँ पे NaBH4 जो यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको रखना पड़ेगा, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखना पड़ेगा। तो जब इसको हम रखेंगे तो ये ग्रुप कुछ इस तरीके से बनेगा, सी डबल बॉन्ड हो, और जरा यहाँ देखो यहाँ बनेगा CH2OH, बेसिकली एल्डिहाइड है तो NCERT में लिखा होगा OH, फाइनली इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये भी CH3 बनेगा, ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनने वाला, जरा ध्यान से देख लें आप, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये 4 कार्बन था सॉरी, तो ये इस तरीके से बनेगा 4 कार्बन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कीटोन का कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता, हमने देख लिया है कीटोन का पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया, कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ये तो रिडक्शन करा रहा है तो रिडक्शन भी कीटोन का नहीं होगा। इसके बाद 11.4 में क्वेश्चन है, जरा उसको भी मैं हिंट में बता रहा हूँ, जरा देखिए आप, प्रोडक्ट पहले सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, पहले एक बार बना लेते हैं प्रोडक्ट जो समझाना है आपको, और क्वेश्चन इसके बाद लिखा हुआ है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल GR और मिथेनल। बोल रहा है कि मिथेनल यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, मिथेनल का मतलब हो गया H, थोड़ा यहाँ देखें सब लोग, ये मिथेनल है, और बोल रहे हैं यहाँ पे एक GR लेना है,
बोल रहे हैं कि कौन सा जीआर लेंगे कि ये प्रोडक्ट बनेगा। तो जीआर आपको पता है, ये जीआर लेना पड़ेगा यहाँ पे, जरा से देखो आप, एमजीबीआर ये लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन होगा, ये सीधा इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर। तो जरा मैं इधर बना रहा हूँ, ध्यान से देख लें आप, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दो हाइड्रोजन एज इट इज और ओ पे माइनस और एमजीबीआर, इस तरीके से बनेगा। फर्दर अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो जरा देख लो आप, ये तो एज इट इज ऐसे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू ये, और ये ओ एच, ये ओ इस तरीके से निकल जाएगा, प्लस एक बनेगा एम जी ओ एच और एक्स। तो बेसिकली ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट दोनों सेम है, देख सकते हैं। तो जी आर इसमें डिसाइड करेगा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, जी आर डिसाइड करेगा इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, रफ करते हैं थोड़ा इसको। इसके बाद कमिंग क्लास में हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के में इसके बारे में थोड़ा बात करी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने पहले आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल आ सकता है क्वेश्चन में, बॉन्ड एंगल आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है, थर्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। हमने आपको बताया था बॉन्ड एंगल थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि वाटर का बॉन्ड एंगल जो होता है 104 होता है, जैसे ही इसमें एक आर लगाएंगे तो बॉन्ड एंगल अब कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और जैसे ही फिर से ईथर बनाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल और कम होगा। ईथर में भी अगर कार्बन कार्बन लगा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन अगर ईथर में किसी साइड में दो कार्बन लग गए और इधर भी दो कार्बन या तीन कार्बन लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बॉन्ड एंगल और कम होगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ऐसा मैंने बताया, क्योंकि इनमें एटम छोटे छोटे हैं तो इसके बीच का एंगल 104 है, लेकिन जैसे ही बड़ा एटम आएगा तो इनके बीच में रिपल्सन शुरू होगा, और रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल दूर रहने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही दूर रहेंगे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो एंगल भी अपने आप बढ़ जाएगा। ये आपको हमने बता दिया था पिछले क्लास में। चिलेट फॉर्मेशन हमने बता दिया था। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में भी थोड़ा मोड़ा हमने बात कर दिया था, आप अच्छे से जानते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल के बारे में भी हमने बातचीत कर दिया है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी इसकी देखते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जरा बात करेंगे ईथर को लेके, तो ईथर कैसे रिएक्शन करता है, क्या करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जरा हम समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में ईथर के रिएक्शन जब आएंगे तो जरा देखते हैं। जैसे ये ईथर का रिएक्शन है, आर ओ एच प्लस इसका टू एन ए के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे या कोई भी इस तरह कराएंगे तो बनेगा टू आर ओ एन ए। इसका नाम लिखा हुआ सोडियम, थोड़ा यहां देखना है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड इस तरीके से नाम होगा, और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली इस तरीके से बनेगा। एनसीईआरटी में इसका यूज करके एक कंपाउंड बनाया होगा डाइबल एच, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डाइबल एच मतलब लिखा हुआ है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये थोड़ा एक काफी इंपॉर्टेंट है। डाइबल एच भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करता है, डाइबल एच भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो NaBH4 और LiLH4 की तरह फंक्शन काम करता है, LiLH4 की तरह काम करता है। इसके बाद थोड़ा ये अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल दोबारा एक बार देखते हैं। जब हमने ROH लिया प्लस इस पे हमने NOH रिएक्शन कराया तो बना RONa प्लस माइनस, इस पे R-X का रिएक्शन जब हम कराएंगे, थोड़ा सभी लोग देखें, ये RO नेगेटिव जो बना हुआ है यहां से यहां तक, ये बेसिकली बैक अटैक इस पे करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जैसा है, और न्यूक्लियोफाइल का जो बैक अटैक होता है हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसका नाम SN2 होता है, और जब ऐसा अटैक होगा तो ये ईथर बना लेगा, क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। तो बेसिकली ये इस प्रोसेस का नाम एनसीईआरटी में लिखा होगा विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो R-डैश है, ये R-डैश ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, टर्सरी RX नहीं होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड CX नहीं होना चाहिए, बेंजीन से डायरेक्ट लिंक नहीं होना चाहिए, और ब्रिज हेड पे कोई हैलोजन नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी लिखेगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा, ध्यान रखना है, इनमें से कुछ भी लिखा होगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं होगा, एक बात ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जरा से देखते हैं एक बार मैं सब समझा के लाता हूँ, फिर कंक्लूजन सारी बातों को लिखूंगा, उससे ध्यान से देखना आप, ठीक है, अभी पहले देखते चलते हैं। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ जरा से देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसको हम लोग बोलते हैं के के बारे में थोड़ा दो तीन लाइनें देखो। जिसका के हाई होगा हम बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीके बहुत कम होगा उसका के हाई होता है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये के और पीके क्या है, ये एक टेबल है जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं मेंशन होता है, या मॉरिसन वॉइड की बुक्स में मेंशन है, GOC2 की लेक्चर में से हमने किया था, और मैंने आपको बताया था कि लैबों में, बड़े बड़े लैबों में ये दीवालों पे लगे हुए रहते हैं,
के पीके की वैल्यू वगैरह, लेकिन अभी हमारे के पीके की वैल्यू काम का नहीं है, अभी हम थोड़ा और रूल्स देखते हैं। पहला रूल है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में जरा यहां देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, और के बढ़ेगा तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो CH4 कहीं लिखा हुआ है, NH3, H2O और HF, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। अगर ये H+ फायर कर देगा तो ये बनेगा CH3-, ये बनेगा NH2-, ये बनेगा OH- और ये बनेगा F-। इनमें अगर मैं K के बारे में जरा बात करूंगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनायन ये होगा, फिर ये कम, फिर ये कम। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि ZF बढ़ता है, ZF बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका के भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहां देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं। सेकंड दूसरा पॉइंट है साइज, ये GOC2 का कंटेंट समझा रहा हूं आपको। साइज का हो गया HF, जरा देख लो आप HCl, HBr और HI। अगर डाउन द ग्रुप अगर हम देखेंगे तो इसमें हम साइज देखते हैं, तो जो सबसे नीचे होगा इसकी साइज हम मान के चलते हैं सबसे ज्यादा है। अगर मैं साइज के बारे में बात करूंगा तो F नेगेटिव सबसे ज्यादा है, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था ऐसा, ठीक है, और I नेगेटिव। लेकिन अगर हम साइज का ऑर्डर देखेंगे, थोड़ा गलत हमने लिख दिया था, साइज का ऑर्डर होगा I नेगेटिव सबसे ज्यादा, ये थोड़ा ऑर्डर गलत हो गया, ये ऑर्डर ही गलत हो गया। देखो यहाँ पे I नेगेटिव, देन लिखेंगे Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव और देन F नेगेटिव, ये साइज का ऑर्डर है। साइज कब देखते हैं, जरा एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट देखेंगे, और साइज एक ही ग्रुप के सारे आइटम होंगे तब, एक ही ग्रुप मतलब HF, HCl, HBr, HI ऐसे होंगे, तो इसमें हम साइज देखेंगे। और जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी, जिसकी साइज यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी ज्यादा होगी उसको हम मानते हैं इसका के भी उतना ज्यादा होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आई नेगेटिव की होगी। ये भी रूल काम का नहीं था, हमने वैसा कुछ समझाया। थर्ड रूल जरा काम का, इसको जरा देखना है। थर्ड रूल से हमारे दो क्वेश्चन पूछे हमें, थर्ड रूल जरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्वेश्चन हो यहीं से आया हुआ है। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लस एम है, प्लस एच सी है और प्लस आई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ERG। ये ERG जहां पे होगा ऐसे केस में के की वैल्यू हमेशा कम होगी। और फोर्थ ये लिखा हुआ है कि माइनस एम, माइनस एच सी, माइनस आई, इसका नाम होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जहां पे होगा इसकी के की वैल्यू हाई होगी। अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा इसको एज्यूम करूं तो जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, यहां थोड़ा बोर्ड पे देखना है, एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, दूसरा इस तरीके का लगा हुआ है O पे माइनस, और तीसरा एग्जाम्पल के लिए हमने इस तरीके का बना लिया है, ये O पे माइनस लगा हुआ है। अगर हम बात करें इन पूरे मॉलिक्यूलों में तो यहाँ पे जा रहे हैं तो डिग्री बढ़ रही है, इनमें सब में नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू 4 ही है, देख सकते हैं इनमें नंबर ऑफ कार्बन की जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट है। और हमने GOC1 के लेक्चर में देखा है कि कार्बन बढ़ता है या डिग्री बढ़ता है, किसी मॉलिक्यूल की डिग्री बढ़ेगी तो प्लस आई बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगा तो प्लस आई बढ़ेगा, तो इन सबों में डिग्री इसकी बढ़ रही है, ये डिग्री इसकी सेकेंडरी है, इसकी डिग्री टर्सरी है और इसकी डिग्री प्राइमरी हमें दिखाई दे रहा है सब। तो डिग्री सबसे ज्यादा इसका है, देख लो जरा साहब, प्लस आई इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और ऊपर हमने जस्ट अभी लिख रखा है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लस आई बढ़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी मॉलिक्यूल में प्लस आई बढ़ेगा तो के की वैल्यू कम होगी। तो सबसे ज्यादा के इस मॉलिक्यूल में, सबसे ज्यादा इस मॉलिक्यूल में के जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का होगा और देन थर्ड का होगा। प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का होगा, देन थर्ड का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री बढ़ेगा, किसी मॉलिक्यूल में अगर डिग्री बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी, प्राइमरी की एसिडिटी सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी की, देन टर्शियरी की। प्रीवियस इसमें कंटिन्यू क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इनको जरा सा देख लेंगे। फिर इसके बाद हम एक लाइन और जानते हैं कि किसी भी एसिड से, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, अगर H+ बाहर निकलेगा तो जो प्रोडक्ट का नाम होगा कंजुगेट बेस, अगर वीक एसिड होगा तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होगा तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। सिमिलर अगर बेस कहीं आपने लिखा है तो बेस में अगर H+ अगर ट्रैप किया, मतलब अपनी ओर लिया, तो इसका नाम होगा कंजुगेट एसिड, और इसके लिए भी सेम रूल है, वीक बेस लेंगे तो कंजुगेट एसिड जो होगा इसका वीक होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे इस तरीके से लेंगे तो इसका कंजुगेट बेस जैसा वीक होगा। ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, कंजुगेट क्या होता है मैंने आपको बताया, और स्ट्रॉन्ग और वीक हमने कैसे जज किया है ये भी मैंने आपको शायद समझा दिया। फिनॉल का थोड़ा एसिडिटी हम देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखेंगे फिनॉल के बारे में।
यहाँ थोड़ा देखते हैं फिनॉल के बारे में। ये फिनॉल है, जब ये वाटर में आया होगा तो एच प्लस फायर कर देगा और ऐसा बन जाएगा, और अगर हम कोई एसिड लेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसके पास 5 RS है, अब जानते हैं ये इधर आया होगा, जरा देख लो ये इधर आएगा, तो आपको अच्छे से पता है ये ऐसा बनेगा, ये 2 माइनस, फिर ये इधर आएगा तो ये मॉलिक्यूल इस पे एंड सूम ऑन 5 RS बनेगा। इसके पास केवल 2 इक्वल RS, आप जानते हैं इसके पास क्या है, केवल 2 इक्वल RS, इसके पास केवल 2 इक्वल RS है। और हमें पता है कि हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं AERHI, और इस रूल का मतलब बस इतना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिक है तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा होगी, किसी मॉलिक्यूल में इक्वल आरएस होगा तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और ये 3 होंगे तो रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इन दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और सेकंड मॉलिक्यूल में इक्वल आरएस है, तो ऑफ कोर्स आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल आरएस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आरएस। तो बुक्स में अगर के का ऑर्डर लिखा होगा तो के लिखा होगा कि इसकी के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसका के कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ आपको, यहां तक मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है और समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, जरा देखना है आपको, फिर मैं कंक्लूजन सारा एक जगह लिखूंगा, पहले आप देखते चलो। एक क्वेश्चन थोड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ, OH NO2 और OH लिखा हुआ। पहली बात देखो, फिनॉल ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करता, GOC2 का ये टॉपिक है, फिनॉल डू नॉट शो, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहां पे क्या क्या है, माइनस एम है, जरा देखो आप, और माइनस आई है, यहां पे क्या है, केवल माइनस आई है। आप तो जानते हैं कि मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, यहां पे क्या है, माइनस एम है और माइनस आई है। तो जब इसका हम के का ऑर्डर निकालेंगे तो बच्चे को लगता है कि 1 लेना है, फिर बच्चे को लगता है 3 लेना है, फिर 2 और फिर 4, बिल्कुल सही लेता है लेकिन गलत आंसर, थोड़ा ध्यान सुनना है। इस तरीके का आंसर बिल्कुल इसका सही निकालने की कोशिश करी थी लेकिन गलत है, इसका आंसर पहले होगा 3, 3 के बाद हम बुक्स में लिखा होगा 1, 1 के बाद लिखा होगा 2 और देन लिखा होगा 4। ये थोड़ा के का ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में भी किया है, और ये कैसे पता चला इंपॉर्टेंट है, जरा इस एग्जांपल में देखो। यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आया होगा तो इनके बीच में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, जरा से देख लो ये इस तरीके का बना हुआ है, सभी लोग देखिए आप, यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे O पे माइनस, आप ध्यान से देखेंगे तो OHO बन रहा है, यहाँ पे OHO बन रहा है, यानी ये जो लाइन बना हुआ है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखा हुआ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला मॉलिक्यूल ये थर्ड सेकेंड पोजिशन पे चला जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा मोटा बताया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल की जो ये एसिडिटी कम हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है जरा आपको करके बताना है, सभी लोग जरा नोट्स में लिखना है, के का ऑर्डर निकालना है आपको। लिखा हुआ है प्रोपेन 1 ऑल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। इसका केक ऑर्डर बताना है, जरा सभी लोग जल्दी निकालेंगे इसको, सभी लोग थोड़ा इसे जल्दी करेंगे। जरा सॉल्व करके जल्दी भेजना है आप। जल्दी जरा सॉल्व करना है।
जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। प्रोपेन वन ऑल 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 3 नाइट्रोफिनॉल 3.5 डाई नाइट्रोफिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। देखिए प्रोपेन वन ऑल तो ये है बेसिकली, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये है, थ्री नाइट्रोफिनॉल का मतलब जरा से देखो आप लोग, ये है 3.5 नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये है, थ्री नाइट्रोफिनॉल का मतलब ये है जरा से देख लो आप, और फोर मिथाइल फिनॉल का मतलब ये है, फोर मिथाइल फिनॉल का मतलब ये है, ये फोर मिथाइल फिनॉल है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसका ऑर्डर लिखना है अपने को, इसके बाद इन सबों का ऑर्डर लिखना है कि इन सबों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। एक बार पूरी बात मैं जरा यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ शुरू से, जरा पहले बार देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जरा देखो आप, एल्कोहल फिनॉल और ईथर, इसका IUPAC डिग्री ये सब फर्स्ट चैप्टर से करेंगे, क्लासरूम नोट से करेंगे, IUPAC से नहीं तो हो नहीं पाएगा, फर्स्ट चैप्टर से करेंगे अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो नहीं पाएगा। इसके बाद हम केवल अल्कोहल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जरा देखते हैं अल्कोहल के बारे में। अगर अल्कोहल के बारे में जरा हम बात करें, सभी लोग थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। अल्कोहल के बारे में जरा अगर हम बातचीत करेंगे तो अल्कोहल से क्वेश्चन आएगा, पहले तो प्रिपरेशन, अगर हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो जरा देखो आप क्या क्या आ सकता है। प्रिपरेशन इसे पूछेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पूछेगा तो पहला हो सकता है कि मार्कोनी का रूल फॉलो हो, डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं वहां पे, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, या हाइड्रेशन लिखा होगा, इस प्रोसेस का नाम हाइड्रेशन, वाटर का हाइड होना मतलब हाइड्रेशन लिखा होगा। एक ये मतलब जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है HBO, दूसरा हम लिख सकते हैं HBO फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जरा देखो यहाँ पे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, इसके दो रिएक्शन हो सकते हैं, या तो कार्बोनिल कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन करवा दें, या GR ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा दें, हमने सब करवाया है, या GR के साथ इसका रिएक्शन करा दें, तो GR के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनने वाला है। फिर आपको हमने बताया है अल्कोहल की बात, ये थोड़ी अल्कोहल की इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे थोड़ा सा अल्कोहल का बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंगल वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं ये इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। HBO काफी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। फिर इसके बाद हमने फिनॉल स्टार्ट करा, थोड़ा फिनॉल के बारे में जरा देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट फिनॉल के तो सबसे पहले तो आएगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जरा देखना इधर फिनॉल से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, दूसरा आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ से, थोड़ा यहाँ सभी बच्चों को बोर्ड पे जरा देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है एसिडिक स्ट्रेंथ से, ये दो क्वेश्चन तो आने वाला है प्राइमरी, यहाँ पे जरा लिख रहा हूँ, सेकेंडरी और टर्सरी से एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, या जरा प्लीज देखेंगे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला जो हमने एग्जांपल लिखा था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो हमने एग्जांपल लिखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को जरा अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन में इस बार भी पूछा हुआ था, बच्चे कर नहीं पाते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ से ये क्वेश्चन आएगा दो, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद दो IUPAC नेम से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जो हर साल आते हैं, और ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्या क्या आएंगे यहाँ से, पहले के नाम एकदम आपको याद रखना है, जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, ये एकदम आपको नाम याद रखना है, दूसरा को ये नाम याद रखना है सैलिसाइक्लिक एसिड, थर्ड कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है सैलिसल्डिहाइड, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम है एस्पिरिन,
फोर्थ का नाम है एस्प्रिन, पिक्रिक, सैलिसाइक्लिक, सैलिसाइल्डिहाइड, एस्प्रिन, इन सबों का नाम याद रखना है। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे पिक्रिक का नाम जरा बताइए सर क्या है, पिक्रिक का नाम ये है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जब नोट्स में जरा देखोगे ना, ये सब बातें मिल जाएगा आपको। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की क्लास में नोट्स में देखेंगे तो ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आईयूपीएससी क्लासरूम नोट्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक एनओ टू आएगा, जरा देखो आप, एक एनओ टू यहाँ आएगा और एक एनओ टू यहाँ आएगा। ये पिक्रिक एसिड है, ये पिक्रिक एसिड है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ये तीनों आईयूपीएससी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरा तैयार करना बहुत जरूरी है, इनको जरा तैयार करना बहुत जरूरी है। फिर फिनॉल में ये दो क्वेश्चन तो आजकल पूछ रहा है, जैसे पहला लिखा हुआ है फ्रॉम क्यूमीन से कैसे इसको बनाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डाइबल एच की वर्किंग, डाइबल एच ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, डाइबल एच इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइबल एच काफी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने इस चैप्टर में बताया ये इंपॉर्टेंट है, बस वही इंपॉर्टेंट है इसका, बस यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एसिडिटी के बारे में हमने लिख दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि ये पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, जरा देख लो आप, ये पूछ सकता है और नहीं तो ये पूछेगा। ये जीओसी टू का कंटेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमने लिख दिया है। फिर जरा इसे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी इनका, देखते हैं सभी लोग जरा देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बस इसका नाम है, जैसे पहले लिखा हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे जरा सब लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आर ओ एच प्लस एच एक्स, लिखा हुआ फ्रॉम एच एक्स, तो आपको तो पता ही है बनाएगा आर एक्स प्लस वाटर, और आपको पता है ये रिएक्शन एस एन वन भी हो सकती है, ये रिएक्शन एस एन टू भी हो सकता है, हमने आपको पढ़ा दिया है एस एन वन एस एन टू क्या होता है आप जानते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा मेहनत नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है कि आर ओ एच, थोड़ा यहाँ देखो, रिएक्शन पी एक्स थ्री, आपको अच्छे से पता है इस रिएक्शन का नाम एस एन टू है, जो हमने पिछले क्लास में देख लिया, जो हमने पिछले क्लास में देख लिया। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो डिहाइड्रेशन, थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का मतलब जरा देखो, डी का मतलब मैंने आपसे बताया था केमिस्ट्री में आउट करना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, वाटर। तो अगर जरा प्लीज सभी बच्चे यहां पर देखें, डिहाइड्रेशन एजेंट जो होता है, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट बुक्स में लिखा हुआ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने इसे कई बार पढ़ा है, करीबन 10 से 15 बार पढ़ा है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम होता है E1 और E2 रिएक्शन, तो हमने E1 E2 में से 10-15 बार पढ़ा है, और कम से कम एक दो बार तो हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी इसे पढ़ा है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के आसपास में हमने इसे पढ़ा है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक एल्कोहल इस तरीके से रहता है, जरा देख लो आप, इस तरीके से एल्कोहल होगा और यहाँ से हम वाटर को बाहर कर लेंगे, यहाँ से हम वाटर को बाहर कर लेंगे, और जब यहाँ से वाटर को बाहर करेंगे तो बेसिकली इस तरीके से ईन बनेगा, ये क्या बनेगा, ईन बनेगा। तो जरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान सुनना, इसे हम कैसे बाहर करेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये है, बुक्स में लिखा होगा कंसेंट्रेटेड H2SO4, या लिखा हुआ कंसेंट्रेटेड H3PO4, इनमें से कुछ भी लेंगे तो ये वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हालांकि इतना इजीली वाटर बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने E1 E2 रिएक्शन में पढ़ा है कि स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, हॉफमैन फॉलो करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन बुक्स में लिखा होगा इनमें से किसी एक को रखोगे तो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ डिहाइड्रेशन भी मैंने आपको समझा दिया है। इसमें डिहाइड्रेशन केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब फोर्थ जरा सा देखो केमिकल प्रॉपर्टी में, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी में फोर्थ जरा से देखो, ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का नाम थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ये थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ, इसको भी जरा अच्छे से तैयार करना है केमिकल प्रॉपर्टी में। अब फोर्थ जरा मैं एक बार जरा समझा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से एक बार सभी लोग देखें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फोर्थ में तो एक एग्जाम्पल समझाना था, लेकिन मैं आपको तीन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया और इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया, तो यहां से H और यहां से H दोनों बाहर निकल जाएंगे, और बेसिकली ये बना लेगा इस तरीके का एल्डिहाइड, ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर आपने सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो फर्दर हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड। तो सेकेंडरी लोगे तो कीटोन बनेगा, और प्राइमरी लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये था, अगर आपने टर्शियरी एल्कोहल ले लिया तो क्या होगा। अगर आप टर्शियरी एल्कोहल लोगे तो इसका कोई प्रोडक्ट कार्बोनिल नहीं बनेगा, इसका ये प्रोडक्ट बनता है, जरा देखो आप, आर आर सी एच सी लिखा हुआ यहाँ पे, और डबल बॉन्ड सी एच टू, ये प्रोडक्ट बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ इसको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा इसको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ थोड़ा इसको बिल्कुल ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, तभी ये हो पाएगा, ठीक है।
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा देखो, ऑक्सीडेशन में हमने और आगे थोड़ा आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछता है एनसीईआरटी, मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हॉट कंसेंट्रेटेड KMnO4, एकदम याद रखना है आपको, सोर्स बताऊंगा कहां से याद होगा आपको। दूसरा लिखा होगा CrO3। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का फेवरेट, इसका नाम है PCC, लिखा होगा पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट, ये लिखा हुआ है पीसीसी, एनसीआईटी का फेवरेट टॉपिक है, अब से करीबन 10 बार क्वेश्चन आ रखा है। पीसीसी एक माइल्ड कमजोर, माइल्ड का मतलब है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी कैसा है मैंने आपको बता दिया, और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ऊपर का हॉट कंसेंट्रेटेड KMnO4 कैसा है, CrO3 कैसा है आपको मैंने समझा दिया। इधर हमने बताया कि डिहाइड्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर डाइवल एच बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने ये आपको समझा दिया है, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर में कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और HBO रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, पीसीसी के बारे में थोड़ा हमने बात कर लिया, पीसीसी के बाद जरा सा आगे देखते हैं एक बार थोड़ा सा, देखो जरा सा इसके बाद पीसीसी के बाद और भी फिनॉल बनाने के और भी मेथड है, फिनॉल बनाने के और भी बहुत सारे मेथड है, या फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी बुक्स में लिखा होगा, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी या फिनॉल के लिए लिखा होगा रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये थोड़ा अगेन एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, एक फिनॉल लेंगे हम, और जरा प्लीज यहाँ पे देखो अगर आपने डाइल्यूट HNO3 डाला, थोड़ा बोर्ड पे जरा देखना सबको, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये OH यहाँ आ जाए और NO2 यहाँ आ जाए, प्लस एक पॉसिबिलिटी ये भी है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, OH आ जाए और NO2 आए, मेटा पोजिशन पे कभी अटैक नहीं होगा, जरा ध्यान सुनना पहले कि मेटा पोजिशन पे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा, मेटा पे कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा, और नहीं तो कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पे कौन से पोजीशन पे आएगा ये बात आपको मैंने पिछले क्लास में, जरा एक बार मैं बताता हूँ, जरा ध्यान सुनना सबको, ये पीसीसी हॉट कंसेंट्रेटेड KMnO4 CrO3 और ये जो ऑक्सीडेशन के 3-4 रिएक्शन लिखे हुए, ये एल्काइन के बाद एनसीईआरटी में एल्काइन के बाद आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, एल्काइन के बाद आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये टॉपिक लिखा है डाइल्यूट HNO3 हमने रखा है, तो ऑर्थो बन गया, और फिर लिखा हमने कि पैरा बन गया, कैसे पता चलेगा कि ऑर्थो वाला सही है कि पैरा वाला सही है, कि नंबर ऑफ ऑर्थो वाला बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, पैरा वाला करेक्ट है कि नहीं है, इसका जो है मतलब हमने कहां से टॉपिक उठाया है, तो आप एनसीईआरटी में या हमारे क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एक टॉपिक लिखा होगा एरोमेटिक कंपाउंड, और उसमें लिखा होगा रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, या वहां पे लिखा होगा ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद ये तो एक इंपॉर्टेंट बात था, इसके बाद हमने आपको ये भी इंपॉर्टेंट जरा समझाया था, जरा देखो सभी लोग थोड़ा यहाँ देखेंगे। इसके बाद आपको याद होगा हमने एक बार नोट्स में ही ये भी ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग का ग्रुप का क्वेश्चन है, कि हमने यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ पे लिखा है Br2, दो एजेंट हमने रख दिया, जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो इसका भी सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, OH यहाँ पे रहेगा, Br यहाँ पे एक बार, और एक बार में OH यहाँ पे रहेगा और एक बार में Br यहाँ पे रहेगा, पैरा पे रहेगा। कैसे पता चला है कि ऑर्थो पे या पैरा पे लगेगा, सेम क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एरोमेटिक कंपाउंड में लिखा होगा ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, अदरवाइज आपको कंटेंट बहुत याद करना पड़ेगा, ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग देखेंगे, अदरवाइज अगर आपको वहां भी दिक्कत हो रहा है तो हमने एक टॉपिक एरोमेटिक फिनॉल अमाइन साइनाइड लिखा होगा, एरोमेटिक फिनॉल अमाइन साइनाइड, तो फिनॉल नाम के लेक्चर को जब अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, फिनॉल को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद कुछ कुछ नेम रिएक्शन है, जरा ये नेम रिएक्शन जरा देख लेते हैं एक बार, अगला रिएक्शन थोड़ा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक का नाम है राइमन टेमन रिएक्शन, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये REIMER रिमर टेमन रिएक्शन, कई लोग पढ़ते हैं इसको, कई लोग राइमन टाइमन रिएक्शन पढ़ते हैं इधर, ठीक है, ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अगर आपने कोई यहाँ पे फिनॉल लिया, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, और यहाँ पे कार्बिन लेना है, कार्बिन कैसे बनाते हैं, CH3 CL3 + KOH, इसका नाम कार्बिन हम जानते हैं, कार्बिन हमने एल्कीन के लास्ट में हमने टॉपिक किया है कार्बिन,
जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे जरा सबको देखना है, यहां पे तो बनेगा ओ एन ए प्लस और यहां पे एज इट इज आ जाएगा सी एच सी एल टू। ये इससे क्या बनने वाला है, इससे सी एच सी एल टू बनेगा, ये कार्बीन है इससे, बेसिकली इससे कार्बीन है। फिर इसमें हम एनओएच का रिएक्शन करा देंगे, जब एनओएच का रिएक्शन कराएंगे तो जरा देखो क्या बनने वाला है, ये ओ एन एज इट इज रह जाएगा और यहां पर रहेगा सी एच ओ, ये सी एच ओ। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बनने वाला है ऐसा, ये ओ एच और यहां बनेगा सी एच ओ। ये जो रिएक्शन है इसी का नाम है सैलिसिल्डिहाइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सैलिसिल्डिहाइड जरा आपको बताना है क्या होता है, तो ये वाला कंपाउंड है सैलिसिल्डिहाइड, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सैलिसिल्डिहाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक जरा और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है इसमें, एक ऑक्सीडेशन फिनॉल का, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फिनॉल लिया और इस पे आपने Na2Cl2O7 लिख दिया या K2Cl2O7 लिख दिया आपने, तो ये जो किनोलिन बन जाएगा, इसका नाम किनोलिन होता है, इसका नाम जो है बेंजो क्यूनोन लिखा हुआ है, सॉरी बुक्स में लिखा हुआ बेंजो क्यूनोन, क्यूनोलिन जैसा ही है लेकिन इसका नाम है बेंजो क्यूनोन, इसका नाम है बेंजो क्यूनोन। एनसीईआरटी में 11.7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 11.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.7, 11.8, 11.9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 11.5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11.4 एग्जाम्पलर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11.3 मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पलर और प्लस क्वेश्चंस को हमने कर दिया है, ठीक है, कर लेंगे आप इधर, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर जरा देखें एक टॉपिक लिखा हुआ है 11.5, जरा एक बार पेज नंबर मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, 244 होना चाहिए, 244 ऐसा कुछ पेज नंबर देखना, 344 या 244 पे लिखा होगा सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, इसको काट देना है, ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल ये एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, पहले आ रहा था अब नहीं आएगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखेंगे, ईथर का हमने अभी एक प्रिपरेशन देखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट का नाम है विलियमसन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियमसन विलियमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, विलियमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अच्छे से तैयार करना है। फिर दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है ई1 ई2 रिएक्शन, जिसमें ये दो टॉपिक भी आपको अच्छे से तैयार करना है, सेटजेफ और हॉफमैन, सेटजेफ और हॉफमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन में सेटजेफ और हॉफमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलियमसन में क्या इंपॉर्टेंट है, विलियमसन में कई बार ऐसा पूछेगा इनमें से कौन सा रूट या कौन सा मेथड ईथर के लिए सही है या गलत है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा रूट ईथर के लिए सही है या गलत है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको जरा अच्छे से ध्यान से देखना है। इसके बाद ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे, जरा से देखो आप, तो यहां से भी मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड एंगल इसका ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी अगर आएंगे, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी आएंगे तो आपको याद होगा ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी ये SN1 SN2 दो रिएक्शन शो करता है, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि इनमें से कोई एक भी टर्शरी होगा तो ये SN1 शो करेगा, और इनमें से कोई प्राइमरी या सेकेंडरी होता है तो ये SN2 शो करेगा। मैंने आपको बताया था ईथर में SN1 SN2 में कि टर्शरी होगा तो SN1 शो करेगा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी होगा या प्राइमरी सेकेंडरी होगा तो SN2 रिएक्शन शो करेगा, कौन सा रिएक्शन शो करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। SN1 SN2 के बारे में आपको तो पता है, एक बार और हिंट मैं इधर लिख रहा हूँ, मैंने आपको कमिंग क्लास में पिछले क्लास में बैक क्लासेस में आपका डिस्कस किया, लेकिन दोबारा लिख रहा हूँ, अगर इस तरीके का कहीं लिखा हुआ है सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, और इस तरीके का लिखा हुआ है और इस पे HI का अगर हमें रिएक्शन कराना है तो मैंने बोला है कि इधर में RO R' में देखना है कोई टर्शरी एक हुआ तो ये SN1 शो करेगा, तो इधर दिखाई दे रहा है ये टर्शरी है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये SN1 प्रोडक्ट बनेगा, तो हम क्या करेंगे आयोडीन को उधर लगाएंगे जिधर में टर्शरी लगा हुआ हो, तो जब इधर से प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे जरा देखो आप CH3
सी एस थ्री और आयोडीन, ये सी पे आयोडीन लग गया, अब प्लस ओ एच सी एस टू और सी एस थ्री। मैं दो बातें आपसे समझाना ये चाह रहा हूं कि ईथर का जब केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, कोई एक भी टर्सरी होगा तो एसएन वन, कोई इन दोनों में से आर और आरडीएस में प्राइमरी और सेकेंडरी होगा तो एसएन टू शो करेगा। इसको हमने हैलोजन हैलोरिंस की क्लास में तो बोला ही था, लेकिन आप रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लास में इसका देखेंगे तो फंक्शन और इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फंक्शन और मैकेनिज्म इसका आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जरा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर एक रिएक्शन का नाम है फिडल क्राफ्ट। जरा देखो इधर थोड़ा सा, फिडल क्राफ्ट क्या है? कुछ नहीं है, जरा सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखें ध्यान से, फिडल क्राफ्ट के बारे में जरा मैं आपको समझाऊं। अगर पहले से यहाँ पे कोई बेंजीन है, अगर आपने यहाँ पे आर लगा दिया इस तरीके से, अगर आर आ जाएगा तो इसका नाम लिखा होगा फिडल क्राफ्ट, चूंकि आर आ रहा है तो लिखा होगा एल्काइलेशन। अब आर हवा में से तो आएगा नहीं, आर हवा में से तो आएगा नहीं, तो बुक्स में लिखा होगा आर एक्स आया होगा, तो इसका नाम लिखा होगा फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिडल क्राफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखा होगा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एसाइलेशन क्यों लिखा हुआ है? वो ये रहा, इस ग्रुप का नाम है एसिल हैलाइड, और इसको जब हम देखेंगे तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाने वाला है, तो इसका लिखा होगा फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एशन का मतलब मैंने आपसे ये बोला है कि केमिस्ट्री में ऐड होना होता है, क्या होता है? ऐड होना होता है। इसको जरा अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इसको अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिडल क्राफ्ट इसके काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इन्हीं टॉपिकों को जरा तैयार करेंगे, इन्हीं टॉपिकों को जो हमने लिखा है इनको जरा तैयार करना है, और जो टॉपिक मैंने आपसे बोला ये टॉपिक पे काम करना है इसको करेंगे। इसमें जो भी डाउट आउट होगा आप मेरे को उसको बताएंगे, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लास नोट्स में हमने ये जो भी अभी हमने जैसे यहाँ पर लिखा था ईथर ये रिएक्शन शो करता है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, हमने क्लासरूम नोट्स में करवाया है नेमिंग रिएक्शन। तो मेरा ये सजेशन है कि क्लासरूम नोट्स से नेमिंग रिएक्शन निकाल लें आप पहले, जितने भी क्लासरूम नोट्स हैं उनसे नेमिंग रिएक्शन निकाल लें। और मैंने सारे नेमिंग रिएक्शन के शॉर्टकट भी आपको लिखवाए थे, आपको याद होगा फिडल क्राफ्ट के शॉर्टकट लिखवाया था, रायमंड डायमंड के भी लिखवाया था, ये सब शॉर्टकट वहां से देख के आप निकाल लें। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन अगर आप इसको करना नहीं चाहते हैं तो एक और बेहतरीन ऑप्शन है। मैंने एक बीपीटी आपको शेयर किया था, बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है विद फॉर्मूला विद डेफिनेशन। जैसे फिडल क्राफ्ट के नीचे पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो हर रिएक्शन के नीचे उसकी क्या होगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखा होगा। तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर में आपका कोई डाउट है तो जरा मुझे फॉरवर्ड करेंगे जल्दी से, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। एल्कोहल फिनॉल ईथर में जरा एक बार देख लीजिए, कोई आपको जो भी डाउट है आप मेरे को भेजेंगे तो मैं उसको जरा सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन भी थोड़ा एनसीईआरटी में लिखना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए एनसीईआरटी में, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में 11.1 प्रैक्टिस करना चाहिए, 11.2 प्रैक्टिस करना चाहिए, 11.1, 11.2, 11.3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.12, 11.13 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11.16 काफी अच्छा क्वेश्चन है, 11.15 इंपॉर्टेंट है, 11.17, 11.18, 11.17, 11.18, 11.20, 11.20, 11.21, 11.21, 11.24, 11.24, 11.31, 11.31, ठीक है, 11.32, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कोई डाउट आपको है तो जरा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर उस पर हम लोग थोड़ा काम करेंगे। इनमें से किसी में डाउट वाउट है तो जरा मुझे आप फॉरवर्ड कर दीजिए मैसेज, और डाउट नहीं है तो नो डाउट मैसेज जरा बताएंगे।
इनमें से जो हमने आपको फॉरवर्ड किया है इसमें कोई डाउट है तो जरा मुझे फॉरवर्ड करेंगे। एक ने डाउट, हाँ इसको बहुत बढ़िया, इसने सही आंसर भेजा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक ने आंसर भेजा था और बिल्कुल सही आंसर था इसका, एसिड की स्ट्रेंथ का। इनमें से कोई डाउट है तो जरा मुझे भेजें। इस पूरे क्लासेस में हम लोग दो ही दिन काम करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले वो देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है पहले आप कोशिश करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मेरे से बोलना, हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है ये वाला बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व से कराना चाहिए, तो मेरे को फॉरवर्ड करना सर, इसको क्लास में बिल्कुल सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे पैड पे पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, एज इट इज आपको दिख जाएगा कि कैसे वैल्यू आ रही है, कैसे हमने नाम लिखा है, नहीं लिखा है, सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आप, और कंटेंट हमने रेडी करवाई दिया, बताई दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11.31 में एक बच्चे ने बोला है कि जो थर्ड नंबर जरा वो बताए, लिखा हुआ थर्ड ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोइक एसिड, लिखा हुआ इन एथेनोइक लिखा हुआ यहाँ पे एसिड मीडियम। तो ब्रोमिनेशन ऑफ, ये देखो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ एक बार। ठीक है, एनिसोल इसको बोलते हैं, जरा एक बार देखें सब लोग। इंपॉर्टेंट हमने ये सब बता दिया आपको, आप इसे देख लेना। ठीक है, एनिसोल इसको बोलते हैं, साइक्लिक ईथर जब कहीं ऐसा बन जाए बेंजीन के साथ, तो इसका नाम होता है एनिसोल, इसका नाम है एनिसोल। तो क्वेश्चन था एनिसोल के साथ थोड़ा अगर पढ़ लेते हैं 11.31 का ये थर्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल यहां लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम इन C2H5 सॉरी इन CH3COOH लिखा हुआ है मीडियम। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, एनिसोल, जरा देख लो ये वाला कहीं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ब्रोमिनेशन मतलब ये इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, और इधर प्रोडक्ट आपको बताना है इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, ये प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो हमारे हिसाब से शायद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि सर प्रोडक्ट सीधा बताइए तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ये होने वाला है, जब सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे क्या बनेगा, BR एक यहाँ पे आएगा और एक बार पॉसिबिलिटी है कि BR ऑर्थो पे है, एक बार पॉसिबिलिटी है कि ऑर्थो पे है, एक बार ये तो ये वाला इस बार मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा सुन लें आप, कैसे पता चलता है कि सर आपको ये मेजर हुआ और ये माइनर होगा, तो नोट्स में, क्लासरूम नोट्स में जब एरोमेटिक कंपाउंड आप खोलेंगे तो वहां पे हमने लिखा होगा ऑर्थो डायरेक्टिंग है कि पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वहां पे हमने तीन सीरीज बनाई होगी, डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्टिव ग्रुप, इनडायरेक्टिंग ग्रुप, इस तरीके से हमने बनाया होगा। उसमें जब जाके BR को देखेंगे आप, तो BR मतलब हैलोजन है, तो हैलोजन हमेशा पैरा पोजिशन पे अपने आप को रखते हैं और ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, तो क्लासरूम नोट्स में वहां पे देखेंगे, और जो बाकी पूछ रहा है कंटेंट उसको थोड़ा सा ऐसे लिख लिख के हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी होमवर्क आपका ये है, कमिंग क्लास कल है, देखो हमारे स्कूल की टाइमिंग 3 to 4 उन्होंने मुझे दिया इवनिंग में पढ़ाने के लिए, तो मैंने आज 3 to 4 सोचा था पढ़ाने के लिए, तो एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर उस टाइमिंग में कहीं कोचिंग है, एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर 4:15 से पहले आप छोड़ दीजिए, तो ये दूसरा बात। दूसरा अगर मैं शाम में सोचा 5 बजे से पढ़ाने के लिए, तो 2-3 बच्चों ने बोला कि सर उस टाइम पे मत पढ़ाइए, थोड़ा और आगे कर लीजिए, तो हमने 6 o'clock पढ़ाया। तो मैं चाहता हूँ कि कल 3 to 4 हम लोग क्लासेस रखें, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले क्लासेस हो, तो आप लोग रमानी मैम को मैसेज कर देंगे कि मैम 3 PM से before क्लासेस करें, और कोई रीजन बता देंगे, जैसे इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, जो जेन्युइन आपको लग रहा होगा उसके हिसाब से बताएंगे, और मैम क्या करेंगे उसके हिसाब से टाइमिंग को देखते हुए आपका क्लासेस आगे शिफ्ट कर लेंगे। अदरवाइज 3 to 4 हम लोग क्लासेस रखेंगे, और 3 to 4 में जो क्लासेस होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे। तो कल आपका होमवर्क है हेलोल्केन, हेलोरिंस और एल्कोहल फिनॉल ईथर, इन दो चैप्टरों में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाया इस पे काम करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोला है उस पर काम करेंगे, और उसमें कोई भी डाउट है तो मुझे जरा बताएंगे, मैं एक बार बताऊंगा। तो एक बार जब ये दो चैप्टर काम हो जाएगा तो थोड़ा हम लोग इजी चैप्टर करेंगे, एक बायोमोलिक्यूल्स पहले करेंगे, फिर हम लोग अमाइन साइनाइड करेंगे, और लास्ट में आके हम लोग एल्डिहाइड और एसिड करेंगे, थोड़ा वो डिफिकल्ट है, तो इस तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीक में जाते जाते तक हमारा सेकंड बुक कंप्लीट हो जाए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना बहुत, ठीक है, थैंक यू सो मच।